please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर किस तरीके से खूबसूरत लेटर हेड डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँगा। यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर जाकर यहाँ पर मैं वर्ड टाइप करूँगा। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन का एमएस वर्ड है भी, तो बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर लेटर हेड डिज़ाइन, आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर वर्ड ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। देन उसके बाद सिंपली मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। देन यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इसको पेज सेटअप करूँगा। पेज सेटअप करने के लिए मैं सिंपली लेआउट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए लेआउट। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर साइज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए A4 साइज। देन यहाँ पर देखिए पेज रेडी होकर तैयार हो चुका है A4 साइज के अंदर। पेज जूम आउट जूम इन करने के लिए सिंपली आप लोग कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए और माउस का स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो कुछ इस तरीके से अप डाउन करते हुए जूम आउट जूम इन कर सकते हो पेज के। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शेप्स पर क्लिक कीजिए। शेप्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी शेप्स का भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने ढेर सारे यहाँ पर शेप्स दिया हुआ है, इसको यूज करते हुए आप ढेर सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल शेप्स। देन उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर प्लस, इसको प्लस का आइकन आ चुका है। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, और इसको मैं सबसे पहले शेप आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर शेप ड्रॉ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है। इसको अंदर ही आप लोगों को ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। देन उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर शेप आउटलाइन के अंदर क्लिक कीजिए। आउटलाइन के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए नो आउटलाइन पर क्लिक कर लीजिए। नो आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस शेप्स पर जो भी आउटलाइन था वो आउटलाइन गायब हो चुका है। देन इसको आप जो भी कलर यहाँ पर फिल करने चाहते हो तो यहाँ पर देखिए शेप फिल के अंदर आप कलर फिल कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके का एक शेप फिल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट के ऑप्शन पर ही यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, एडिट शेप्स का ऑप्शन। ये ऑप्शन आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से ऊपर का वर्जन पर बड़ी आसानी से ये ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। नहीं तो आप 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप नज़र में नहीं ले सकते हो दोस्तों। सिंपली आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए एडिट शेप्स पर। देन उसके बाद सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए एडिट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चारों तरफ से डॉट आ चुका है। इस डॉट को यहाँ पर क्लिक करते हुए राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। आप यहाँ पर सिंपली डिलीट पॉइंट के अंदर क्लिक कीजिए। डिलीट पॉइंट के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये शेप्स डिलीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। फिर से शेप्स पर ही क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ। मैं इस शेप्स को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। और इस शेप्स को आप इस तरीके से भी यहाँ पर इस तरीके का भी बना सकते हो सिंपली, और इस तरीके का भी यहाँ पर बना सकते हो इस तरीके का। सिंपली आप लोग इस शेप्स को रोटेट कर लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली फ्लिप वर्टिकल का यूज़ करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए फ्लिप वर्टिकल का। देन उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पर येलो डॉट के अंदर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके का यहाँ पर शेप्स बना लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं शेप आउटलाइन पर नो आउटलाइन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर आउटलाइन कलर भी रख सकते हो, मैं सिंपली यहाँ पर व्हाइट कलर ही रख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ इस शेप्स को कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों इस शेप्स को, इस पॉइंट को आप इस तरीके से पकड़ते हुए और इस तरीके से भी आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो
इसी वाले स्टेप्स के अंदर यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आउटलाइन पर जाइए, आपको जो भी यहाँ पर आउटलाइन पसंद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इस तरीके का एक आउटलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा आउटलाइन का वेट छोटा कर लेता हूँ, यानी कि 3 PT के आसपास कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देता हूँ और इसको इस तरीके का यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसको आप यहाँ पर जो भी कलर सेट करने चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कलर सेट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर ये वाले लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का डार्क ब्लू कलर, थोड़ा सा लाइट इस तरीके का। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ चुका है। देन सिंपली मैं इसी वाले शेप्स को ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल डी बटन प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पर शेप आउटलाइन नो कर लेता हूँ और यहाँ पर शेप फिल कलर वाइट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इस वाले शेप्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इस शेप्स को सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए और यहाँ पर इस तरीके का सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर इंसर्ट पर ही क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसी वाले शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रायंगल शेप्स को। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल शेप्स सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद सिंपली मैं इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ, इसको शिफ्ट होल्ड करते हुए भी रोटेट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से इस वाले पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ताकि ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन नज़र में आए। थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एडिट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस तरीके का यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके का ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हो दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का और इस तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर का डिज़ाइन तो रेडी हो चुका है दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पर नीचे का डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। सिंपली इसी वाले शेप्स को क्लिक करता हूँ कंट्रोल डी डुप्लीकेट और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको इस बार फटाफट से कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से इस तरीके का रोटेट कर लेता हूँ और रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर यही वाली शेप्स को क्लिक करता हूँ कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं फॉर्मेट पर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके का रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसी वाले शेप्स को यहाँ पर देखिए ये वाले ऊपर वाले शेप्स को क्लिक करता हूँ कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर डार्क ब्लू कलर सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेट करता हूँ। सेट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए आ चुका है इस शेप्स को। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दूंगा और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर वाटरमार्क भी सेट कर सकते हो। वाटरमार्क सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, आपको जो भी लोगो हो उसी को यहाँ पर आप वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हो। मैंने ढेर सारे वीडियो पर वाटरमार्क क्रिएट करने के लिए वीडियो भी बनाया हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद शेप्स पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए। देन यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शेप फिल कलर पर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए फिल कलर पर जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पिक्चर्स एंड टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइल के अंदर क्लिक करता हूँ। फाइल के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लोगो हो वही लोगो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर डी ड्राइव पर एक मैंने यहाँ पर योर टेक्स्ट हियर यहाँ पर यूज़ कर रखा हूँ दोस्तों। मैं इसी वाले टेक्स्ट को यहाँ पर इसी वाले लोगो को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर देखिए ये लोगो आ चुका है। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर लीजिए और इसको आप ट्रांसपेरेंसी जितना चाहिए उतना कम भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर इसको
जितना मैं ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहता हूँ तो उतना ही कर सकता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा कर लेता हूँ और इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और सेंटर और मिडल कर लेता हूँ, अलाइनमेंट मिडल। देन उसके बाद यहाँ पर फिट हो चुका है इस वाटरमार्क भी। देन यहाँ पर आप जो भी कंपनीज का लोगो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, आपको कंपनीज का नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, एड्रेस टाइप कर सकते हो, यहाँ पर आप डेट भी टाइप कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट पर ही क्लिक करता हूँ और पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद मैं यही वाले लोगो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए ताकि इस इमेज को आप जहाँ पर भी ड्रैग कर सको। देन इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए और यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए मैं सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट पर क्लिक करता हूँ। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल 1 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट। आपको जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर योर कंपनी नेम हियर और यहाँ पर योर टाइटल हियर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो, योर नेम भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नो स्पेसिंग कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली यही वाले फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का। देन उसके बाद सिंपली इसी वाले टेक्स्ट को आप क्लिक कीजिए और कंट्रोल डी कर लीजिए डुप्लीकेट और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं एड्रेस टाइप कर लेता हूँ, योर एड्रेस एड्रेस हियर। सिंपली कंट्रोल ए, थोड़ा सा फॉन्ट अनबोल्ड कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, मे बी 11 के आसपास कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का। आप यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, शेप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक कीजिए। लाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आप यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरीके का। इसको थोड़ा सा लाइन आप जो भी कलर देना चाहते हो दे सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ और इसको आउटलाइन पर जाकर थोड़ा सा बड़ा आउटलाइन दे देता हूँ इस तरीके का। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो भी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। आपको जो भी डेट ऐड करने है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंपली आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और शेप्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कीजिए और इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आपको REGD रजिस्ट्रेशन नंबर आप टाइप कर सकते हो आपको जो भी है। सिंपली यहाँ पर मैं 123/456 और स्लाइस और 789। देन उसके बाद मैं यहाँ पर टैप 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 बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का टैप बटन और यहाँ पर मैं डेट टाइप कर लेता हूँ और इस तरीके से अंडरलाइन दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूँगा और फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन टाइप करूँगा। कंट्रोल ए, आप यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हो, आप चाहे तो अनबोल्ड भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का आ चुका है। देन यहाँ पर इसी वाले शेप्स को आप सबसे पहले फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, शेप फिल नो फिल कर लीजिए, आउटलाइन नो आउटलाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे की तरफ कंपनीज का फ़ोन नंबर, कंपनीज का ईमेल एड्रेस आप जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हो। सिंपली आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आइकन का ऑप्शन, ये आइकन का ऑप्शन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो 2016 से ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। नहीं तो आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र में नहीं आता है दोस्तों। सिंपली आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग लेता है दोस्तों। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ढेर सारे आइकन आ चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आइकन पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का आइकन भी आ चुका है, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। सिंपली यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर से इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ आइकन, फिर से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लोकेशन, लोकेशन LOCATION लोकेशन। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए लोकेशन का आइकन भी है, इसको भी इंसर्ट कर लेता हूँ, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सेम प्रोसेस। अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ
नीचे की तरफ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा। लोकेशन आप ईमेल एड्रेस जो भी आपको यहाँ पर है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर ईमेल एड्रेस का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईमेल यहाँ पर इसी वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट, और इसको मैं रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर एड्रेस तो यहाँ पर है। अभी मैं इसको ईमेल एड्रेस का आइकन भी यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, व्हाट स्टाइल वन होम नो स्पेसिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसी वाले टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग करते हुए यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर कॉमन वर्ड टाइप कर लेता हूँ, +9779818507585। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, your.com। यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से लेटर डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। आप इसको जो भी करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप लोग इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।